हेलो काजल। हाय ज्योति, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और क्या लेकर आई हो मार्केट? कुछ नहीं, बस मम्मी ने मार्केट से दाल लेने के लिए भेजा था, वही लेकर आई। अच्छा, मैं भी दाल लेकर ही आई हूँ मार्केट। तुम दाल कितने रुपए किलो लेकर आई हो? मैं दाल 80 रुपए किलो लेकर आई हूँ, और मैं तो 120 रुपए किलो लेकर आई। तुम इतनी महंगी दाल कहाँ से लेकर आई? तुम मुझे अपनी दाल दिखाना, ये देखो। अरे तुम्हारी दाल में तो कंकर पत्थर है और इसका कलर भी अलग है। मुझे दिखाना तुम अपनी दाल, ये देखो, ये है मेरी दाल। अरे हाँ, तुम्हारी दाल तो बिल्कुल साफ है और इसका रंग भी अलग है, इसलिए शायद तुम्हारी दाल से मेरी दाल ज्यादा महंगी है, क्योंकि ये साफ है और इसमें कंकर पत्थर भी नहीं है। तुम मुझे बताओ, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दाल की क्वालिटी अच्छी है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अच्छी दाल खरीदने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की दाल खरीदने के लिए सबसे पहले हमें उसकी क्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और हमें उसकी पहचान सही ढंग से होनी चाहिए। और अच्छी दाल को खरीदते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई कंकर पत्थर वगैरह ना हो, या दाल से मिलती जुलती चीज़ें ना हो। कि बहुत बार दुकानदार ऐसा करते हैं कि वह सामान के अमाउंट को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कंकर पत्थर या उससे कोई मिलती जुलती चीज़ डाल देते हैं, जिससे उसका अमाउंट तो उतना ही रहता है परंतु उसका वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें दाल खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दाल के अंदर कोई कंकर पत्थर ना हो या उससे मिलती जुलती चीज़ ना हो, ताकि हमें साफ दाल प्राप्त हो सके। ठीक है, मैं यह बात ध्यान रखूं। और कई बार ऐसा भी होता है, दुकानदार कम कीमत पर हमें बिल्कुल बेकार चीज़ या बेकार दाल दे देता है, जैसा अभी तुम्हारे साथ हुआ है। मेरी दाल भले ही महंगी है, पर उसके अंदर कोई कंकर पत्थर वगैरह नहीं है, या दाल से कोई मिलती जुलती चीज़ भी नहीं है, और उसका रंग भी देखने में बहुत अच्छा। तो तुम्हें अब पता चल गया ना दाल की क्वालिटीज के बारे में? हाँ, अब मुझे दाल खरीदने के बारे में सब कुछ पता है, और उसकी क्वालिटीज के बारे में भी मुझे पता है। तो तुम मार्केट में जब अगली बार कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, तो उसकी क्वालिटीज के बारे में पहले पता कर लेना। हाँ, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम एक जागरूक नागरिक बने।